तो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि स्लैब लेवल का जो बीम होता है, जो हमारा स्लैब बीम कहलाता है, उसकी मार्किंग हम लोग कैसे देते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, जो हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर। तो हमारे इंजीनियर्स आपको इसके बारे में पूरे डिटेल में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हेलो इंजीनियर्स, इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्लैब लेवल की मार्किंग कैसे देते हैं ऑटो लेवल की हेल्प से। जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हैं कि हमारे इंजीनियर्स कुछ सर्वे परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पर आज वो सीख रहे हैं कि ऑटो लेवल से स्लैब बीम की मार्किंग कैसे देते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे इंजीनियर्स के पास और जानते हैं उनसे कि स्लैब लेवल की मार्किंग हम लोग कैसे देंगे। जो आप लोग ने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा, जहाँ पर हमारे इंजीनियर्स इन्वर्टेड लेवलिंग की हेल्प से आपको वर्टिकल डिस्टेंस नापते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस इन्वर्टेड लेवलिंग का ही एक कंसेप्ट है, जिसका यूज़ करके हम लोग स्लैब लेवल की मार्किंग देंगे। तो चलिए हमारे इंजीनियर्स के पास चलते हैं। तो कैसे हो इंजीनियर्स आप सभी? बढ़िया। क्या चालू है सर? अभी लेवल ट्रांसफर चालू है। तो आज क्या बताने वाले हो हमारे इंजीनियर्स को? सर लेवल ट्रांसफर करना है। अच्छा, इसमें हम करेंगे क्या कि पहले तो हमारा ऑटो लेवल हम सेट करेंगे, ठीक है, फिर बबल सेंटर में लाएंगे, मतलब पूरा एक लेवल करेंगे। उसके बाद हमें एक बेंचमार्क दिया होगा, कोई सा भी ज़मीन को नेचुरल ग्राउंड लेवल जो है और बेंचमार्क, वो हम उसे ही कंसीडर करेंगे जो कि 100 होगा। उसके बाद हमें ड्राइंग दी होगी, उस ड्राइंग में हमें दिया होगा कि हमें जो है ना हमारा प्लिंथ जो लेवल है उसका हाइट हमें 900 mm दिया है और पूरा मतलब बिल्डिंग का जो हाइट है ये स्लैब का यहाँ से ना प्लिंथ लेवल से लेकर के ऊपर 3000 mm का है। तो व्यूअर, जैसे कि इनके पास एक ड्राइंग है जो ओरिजिनल ड्राइंग से ली गई है, जहाँ पर इनको बताया गया है कि एक जो एनजीएल है हमारा 100, उसके हिसाब से बेंचमार्क भी दिया हुआ है जो आपको पीछे दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में। और उसके बाद इनका कुछ प्लिंथ लेवल मार्किंग है जो 900 mm पर है, और उसके बाद जो हमारा स्लैब का लेवल है टॉप लेवल वो हमारा 3 meter पर है। और उसी के साथ साथ ये बताया गया है कि जो स्लैब बीम है हमारा वो 600 mm का डेप्थ है उस पर। तो आगे हम लोग पूछेंगे इंजीनियर से कि इसका RL क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? यस सर। हाँ सर, हर एक लेवल का RL आप फाइंड आउट कर सकते हो? यस सर। ठीक है, तो बताइए हमारे लीडर से, थोड़ा इधर से डाल दीजिए कि उनको भी दिखे कि RL कैसे निकालते किसी भी बिल्डिंग ड्राइंग में। ठीक है, तो ऐसा बताइए उन्हें कि उनको भी समझे। सर पहले तो हमारे पास ये बेंचमार्क है, कैमरामैन से बोलना चाहूँगा कि उनको फोकस करें ताकि। ठीक है, तो यहाँ पे सर हमें बेंचमार्क दिया हुआ है जो कि 100 है। तो यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट है, अब ड्राइंग के हिसाब से हमें करना है कि हमें प्लिंथ लेवल हमारा 900 mm पर रखना है। तो ये हमें बेंचमार्क हमने 100 मान लिया, तो इसमें ये हमारा 100 है, इसमें हम ये जो हाइट है ये प्लस करेंगे जो कि हमारा आएगा 109 meter का हमारा ये जो है हमें हाइट ऑफ आरियल मिल गया है। प्लिंथ लेवल आगे 100.9 क्या किया आपने, ये जो हमारा नेचुरल लेवल था उससे प्लिंथ लेवल को प्लस कर दिया। ठीक है, तो आगे स्लैब लेवल निकाल के बताइए हमारे इंजीनियर्स को। स्लैब लेवल निकालने के लिए हमें सर यहाँ पे ये जो हमारा प्लिंथ लेवल है, ये हमारा जो आरएल निकाला ये 100.9 है और ये जो ऊपर है हमारा ये 3 meter का है, तो पूरा जो हाइट है हमारा ये 3.9 आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो आरएल कितना हो जाएगा उसका 100 and 3.9 है ना? हाँ यस सर, इसका जो प्लस आएगा वो उसका आरएल बन जाएगा। अच्छा, तो आरएल आ गया हमारा स्लैब लेवल का जो टॉप लेवल होता है स्लैब का, तो स्लैब लेवल आ गया उसका आरएल 100 and 3.9। तो उसके बाद लेकिन हमको तो जो मार्किंग हमको करनी है वो तो स्लैब बीम की करनी पड़ती है, है ना? तो स्लैब बीम का जो बॉटम लेवल है उसको मार्क करना पड़ेगा सर। तो क्या उसका भी आरएल आप फाइंड कर सकते? यस सर, अब ये जो 600 है ये इसमें से माइनस हो जाएगा। अच्छा, तो करके बताइए। ये 0.6 आएगा। अच्छा, और इसमें से माइनस होके 3.3 meter पर हमारा बिल्कुल आ जाएगा। तो उसका आरएल कितना होगा फिर? इसका जो आरएल आएगा वो 103.3 आएगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा आगे? सर अब हमें ये जो हमारा न्यू आरएल है, अब इसमें हम करेंगे क्या कि इंस्ट्रूमेंट की हाइट जो है हमारी तो ये अच्छा है। तो न्यू आर एल इज इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइट माइनस FS होता है। तो अब FS हमें पता है नहीं, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो आपने निकाला नहीं, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे फाइंड करें? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए सर हमारा अपना जो बेंचमार्क है उसमें हमें हमारा जो BS होता है वो ऐड करना होता है। अच्छा, तो सबसे पहले BS लेना पड़ेगा। यस सर। उसके बाद हमें मतलब आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा हम जब निकालेंगे तो उसमें करना ये होता है कि न्यू आर एल हमें मतलब निकालना होता है। तो न्यू आर एल का फॉर्मूला ये होता है कि न्यू आर एल इज इक्वल टू HI माइनस FS। हाँ,
अब यहाँ पे FS हमें तो पता है नहीं, तो FS को निकालना है, लेकिन न्यू RL हमें पता है कि हमारा न्यू RL 103.3 है जी। यस सर, 103.3 है, तो क्या करोगे उसका कैलकुलेशन? अब ये न्यू RL इज इक्वल टू HI माइनस FS। तो इससे क्या निकल के आएगा? तो इससे हमारा अब होगा ऐसा कि FS जो है हमारे पास नहीं है, तो न्यू RL HI में से हम न्यू RL जो होगा हमारा वो माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकली करके दिखाओ हमारे इंजीनियर्स को कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट सेट कर लो, कोई भी एक इंजीनियर सेट कर लीजिए। अच्छा, पहले ही सेट कर लीजिए, हमारे सेट हो गया है। अच्छा सर, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ इंस्ट्रूमेंट का हाइट निकालना है, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट हाइट के लिए हम जहाँ से पॉइंट लिए थे जाके हमें पास कर करना है। तो आपका जो बेंच मार्क वहाँ पर दिया हुआ है वहाँ से आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो कोई भी एक इंजीनियर जाके वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट कर, वहाँ पर स्टाफ रखे वहाँ पर, जैसे कि इंजीनियर साहब देख रहे हैं कि हमारे एक इंजीनियर वहाँ पर जा रहा है, इंजीनियर महेंद्र, जो वहाँ पर हमारे बेंच मार्क पर रीडिंग लेने वाले हैं, जिसने उस पॉइंट पर स्टाफ रखेगा। और एक इंजीनियर आपको बता दूँ कि जैसा आप हमारे इंजीनियर को देख रहे हो सेम उसी तरीके से स्टाफ पकड़ना चाहिए आप सभी को, कोई पोज देते हुए खड़ा नहीं होना चाहिए, एक परफेक्ट तरीका है स्टाफ पकड़ने का। ठीक है, तो रीडिंग लीजिए उनको। अब हमने स्टाफ पे फोकस करना है हमारा टेलीस्कोप, बीएस आ चुका है। आ जाइए इंजीनियर साहब जी, तो अलीफ इसके बाद क्या करेंगे? 1.09 तो हमारा आ गया बीएस, इसके आगे अब हमारा जो हमें जो बेंचमार्क दिया हुआ है, तो बेंचमार्क हमारा 100 है, तो अब 100 में हमें अब HI चाहिए हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइट, तो HI इज इक्वल टू बेंचमार्क प्लस बीएस। ठीक है, तो हमारा बेंचमार्क 100 है, उसमें प्लस हम कर देंगे बीएस जो कि 1.09 है, तो हमारा आ जाएगा 101.09 आ जाएगा HI हमारा। तो HI आ गया, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? अभी हमें FS निकालना है सर, हमारे पास अभी HI है और न्यू RL है, तो हम इस कैलकुलेशन से हम FS निकाल देंगे। तो FS निकाल के बताइए हमारे इंजीनियर्स को। यस सर, तो पहले हमने देखा था हमारा जो न्यू RL था, वो न्यू RL जो हमारा था वो हमने 103.3 था, तो अब ये हमारा न्यू RL है, तो उसका फॉर्मूला ऐसा है कि न्यू RL इज इक्वल टू HI माइनस FS। अब यहाँ पर FS हमारे पास नहीं है, तो हम करेंगे क्या कि ये जो न्यू RL है HI माइनस न्यू RL जो आएगा हमारा आंसर वो होगा हमारा FS। तो HI हमारा है 101.09 माइनस 103.3 जो हमारा न्यू RL है। अब इसका जो आंसर आएगा, हमारा आंसर आया -2.21। अब जो हमारा आंसर माइनस माइनस में आया है, इसका मतलब ये है कि हम जो हमारा जो हमारा स्टाफ है वो इन्वर्टेड पकड़ेंगे, यानी कि उल्टा पकड़ेंगे। तो अभी इन्वर्ट करके इसको करना क्या है, जो 2.2 आया उसको क्या करेंगे? अब इसको जो स्टाफ जो हम मार्क करेंगे पहले कि 2.21 कहाँ पर है, और फिर वो मार्क लेकर हम मतलब हमारा स्टाफ उल्टा करेंगे, और जो हमारा स्लैब का जो लेवल होगा वहाँ से नीचे हम उसको उल्टा लगाएंगे। बिल्कुल, तो ठीक है, जैसे कि हमारे इंजीनियर्स 2.2 कितना आया था हमारा FS? -2.21। तो 2.21 पे मार्किंग लगाते हैं। इंजीनियर्स आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ हो, मार्कर हो, उससे आप अपने स्टाफ में 2.2 पर मार्क कर सकते हैं, या आपके पास बाइंडिंग वायर होगा साइड पर तो उससे भी आप मार्क कर सकते हैं। हमारा आया 2.2। ठीक है, तो यहाँ 2.21 पे इंजीनियर जैसे देख रहे हो इन्होंने एक मार्किंग की है, तो अभी इस मार्किंग को करना क्या है? ये सर, हमारा जो स्टाफ है जी, जहाँ कहीं पर भी हमें मार्क करना है, मतलब जो लेवल लेनी है जी, वहाँ पर जाकर ये जो स्टाफ है हम उल्टा लगाएंगे। हाँ, और फिर हम इस चीज़ को अपनी जो इंस्ट्रूमेंट है ऑटो लेवल उससे हम क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही वो मतलब हमारा जो स्टाफ है उल्टा होगा,
उसको हम मार्क करेंगे, तो उस हाइट पर जो आएगा वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे जी। तो ठीक है, करके दिखाइए हमारे लेकर चले जाइए कॉलम पे, इधर 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 चले जाइए महेंद्रा। तो जैसे कि इंजीनियर आपको देख रहा है पीछे कॉलम है हमारा जहाँ रेनफोर्समेंट तो बंधा हुआ है, जैसे देख रहा है बाकी जगह तो आपका स्लैब बीम शटरिंग लग चुका है, लेकिन अभी हमको वहाँ पर स्लैब बीम शटरिंग की मार्किंग देनी है। तो आप देखते हैं कि मार्किंग का लेवल हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे हमारे इंजीनियर आपको अभी दिखा रहे हैं उस लेवल को क्रॉस करें महेंद्र इस वाले कॉलम पर। रीडिंग देखिए बाहर से ले लीजिए थोड़ा सा बाहर, इनको देखिए। तो सर हमें उसको जो मार्क किया है हमें वो पॉइंट इसमें क्रॉस करना होगा, तो इसके लिए हमें मैं उसको बोलूँगा कि कहाँ पे उठाना है। ठीक है, तो अभी क्या थोड़ा उठा दो। तो जैसे इंजीनियर से देख रहे हैं कि इनकी मार्किंग लेवल थोड़ी सी नीचे आ गई है, ये बोल रहे हैं उसको अप और डाउन करने के लिए थोड़ा नीचे। ठीक है नीचे, तो जैसे मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि दिखाइए कि वो पॉइंट उसका क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, दिखा दीजिए। कंस्ट्रक्शन हो सेम यही प्रोसीजर से आप फॉलो करके इसकी मार्किंग कर सकते हो। तो आई होप इंजीनियर्स हमारे इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे एक ऑटो लेवल की हेल्प से लेवल को हम लोग मार्किंग कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं जिसमें कि बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स आपको सीखने को मिलती है, और अगर आप भी टेक्निकल स्किल्स सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनसाइट ट्रेनिंग को जो स्टार्ट हो चुका है पुणे महाराष्ट्र में। एवरी मंथ हमारी न्यू बैच स्टार्ट होती है, तो ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए कॉल करें 9111001234 पर। आगे और भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।